हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम। दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक खतरनाक ऑलराउंडर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बल्लेबाजों के तूफान के बाद ऑस्ट्रेलिया पर टूटा अश्विन जडेजा का कहर। रोहित जडेजा और अक्षर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से उड़ाई ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां। तो तीसरी पारी में बल्लेबाजी करने आए मेहमानों को अपनी फिरकी के जाल में जडेजा और अश्विन ने ताश के पत्तों की तरह तहस नहस कर दिया। तो आखिर कैसे तीसरे दिन ही भारतीय टीम ने लिखी जीत की इबादत उनकी घातक गेंदबाजी के साथ साथ। इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन में से सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, दो दिनों के खेल में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पर पूरी तरह से हावी गेंदबाजी के बाद भी रोहित जडेजा और अक्षर पटेल की शानदार बल्लेबाजी के दम पर दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर 144 रनों के विशालकाय बढ़त बना ली। जहां रविंद्र जडेजा 66 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं अक्षर पटेल ने भी 52 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर दिया था। तीसरे दिन नए जोश के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम मैदान में उतरी। जडेजा और अक्षर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी को आगे बढ़ाना शुरू किया। क्लासिकल टेस्ट मैचों के अंदाज में भारतीय टीम ने बेहद संभल कर शुरुआत कि दोनों खिलाड़ी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे और भारतीय टीम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिलवाने वाले के इरादे से उन्होंने संभल कर भारतीय टीम को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे नागपुर की पिच पर बल्लेबाजी बहुत मुश्किल हो गई थी और इसका नतीजा भी बहुत जल्द सामने आ गया। टॉड मर्फी के खिलाफ रविंद्र जडेजा बेहद हैरत अंगेज तरीके से आउट हुए। उन्होंने गेंद को खेलने के बजाय जाने दिया। शायद वो सोच रहे थे कि गेंद पड़ने के बाद स्पिन हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मर्फी की गेंद सीधी रह गई और सीधा जाकर जडेजा के विकेटों पर लगी। ये देखकर जडेजा के साथ साथ स्टेडियम दंग रह गया। रविंद्र जडेजा ने चौकों की बदौलत 70 रन बनाकर आउट हुए। इसी के साथ जडेजा और अक्षर की 88 रनों की पार्टनरशिप भी टूट गई। दोस्तों, उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते मोहम्मद शमी, ऑस्ट्रेलिया सोच रहा था कि अब वो बहुत जल्दी भारतीय टीम को ऑल आउट कर देगा, लेकिन मोहम्मद शमी के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने आते पॉइंट को चीरते हुए गेंद को चौके के लिए भेजकर अपने तेवर कंगारुओं को दिखा दिए थे। 120 ओवरों में टीम इंडिया ने 335 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब भारत की बढ़त 160 रनों की हो गई थी। इसी बीच स्कॉट बॉलैंड ने शमी का आसान सा कैच छोड़ दिया। उनका कैच छोड़ना ऑस्ट्रेलिया को कितना भारी पड़ने वाला था, ये उन्होंने बहुत जल्द बता दिया। शमी ने टॉड मर्फी की गेंद पर एक हैरान कर देने वाला छक्का लगाया। जी हां, खड़े खड़े मोहम्मद शमी ने गेंद को सीधे स्टेडियम में दे मारा। इस छक्के को देखकर विराट कोहली से लेकर हेड कोच राहुल द्रविड़ तक हैरान थे और सब बेहद खुश भी थे। शमी इतने में नहीं रुके, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। अगले ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए मर्फी के खिलाफ शमी ने एक नहीं लगातार दो गेंदों पर दो तूफानी शतक ठोककर ऑस्ट्रेलिया का दिल दहला दिया। पहला छक्का मिड ऑफ तो दूसरा मिड विकेट के ऊपर से जड़कर शमी ने फैंस में जोश की लहर दौड़ा दी थी। लेकिन दोस्तों, बल्लेबाजी कर रहे शमी दोबारा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में टॉड मर्फी का शिकार हो जाते हैं। वहीं तीन तूफानी छक्कों और दो चौकों की बदौलत 37 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन में लौट कर उनके आउट होने के बाद मोहम्मद सिराज आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अक्षर पटेल बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। देखते देखते 84 रनों तक भी पहुंच रहे थे। हालांकि 84 रनों पर आकर पैट कमिंस ने अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। भारत के अंतिम विकेट के रूप में अक्षर पटेल ने 10 चौके और एक छक्के की बदौलत 84 रन बनाए। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय टीम को 400 रनों तक पहुंचा दिया था, जिसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त 223 रनों की हो गई थी। दूसरी पारी में मर्फी ने सबसे अधिक 7 भारतीय बल्लेबाजों को शिकार बनाया। ऑस्ट्रेलिया के सामने अब टेस्ट मैच बचाने की बहुत बड़ी चुनौती थी। कंगारुओं के लिए पारी की शुरुआत करने एक बार फिर उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर की जोड़ी मैदान पर आती है। लेकिन दोस्तों, तीसरी पारी में स्पिन गेंदबाजों का कहर ऑस्ट्रेलिया पर टूटने वाला था। दूसरे ही ओवर में गेंदबाजी करने आए अश्विन ने उस्मान ख्वाजा को अपने जाल में फंसा लिया। ख्वाजा का बेहतरीन कैच स्लिप में खड़े किंग कोहली ने लपक कर मेहमानों को पहला झटका दिया। उस्मान ख्वाजा 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज लबुशा ने, लेकिन रनों में भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने लगाम लगा दी।
की कसी हुई गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था। 10 ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 22 रनों तक पहुंच पाई थी, तो वहीं तीसरी पारी में भी जडेजा का कहर शुरू हो चुका था। 11वां ओवर लेकर आए जडेजा ने लबुशेने को LBW आउट कर ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा झटका दिया था। ये बल्लेबाज 11 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गया। पूरा स्टेडियम तो जश्न मना रहा था। वहीं अब मैदान पर स्टीव स्मिथ की एंट्री हो जाती है, लेकिन जडेजा और अश्विन को बढ़ पाना उनके भी बस की बात नहीं थी। अश्विन ने बहुत जल्द इस बात को साबित भी कर दिया। उन्होंने 2 ओवरों में 2 विकेट लेकर पूरा मैच पलट दिया। पहले वार्नर को LBW आउट, ऑस्ट्रेलिया को 440 वोट का झटका दिया और 41 गेंदों पर महज 10 रन बनाकर वापस लौटे, तो फिर बल्लेबाजी करने आए रैंशा को भी महज 2 रनों पर समेट कर भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले के जीत की इबादत लिख दी थी। महज 42 रनों पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 4 धुरंधरों को गवा दिया था, जिसे देखते हुए स्टीव स्मिथ के साथ पीटर हैंडस्कॉम्ब ने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। अब उनकी ये रणनीति ज्यादा देर तक काम नहीं आई। रविचंद्रन अश्विन के कहर के आगे पीटर हैंडस्कॉम्ब LBW आउट हो गए। बल्लेबाज कुछ नहीं समझ पाता, उससे पहले ही अश्विन ने उन्हें पवेलियन के दर्शन करा दिए थे। महज 52 रनों पर आधी ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी वापस जा चुकी थी, जहां से स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी मैदान में टिके थे। लेकिन इन दोनों गेंदबाजों के सामने ये भी ज्यादा लंबी पारी नहीं हो पाएगी और भारतीय टीम बड़ी आसानी से पारी के अंतर से इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पहले टेस्ट मैच में कौन बनेगा मैन ऑफ द मैच, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।